इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं सोनू जैन, मनीष जैन, अंकित जैन, पारस फैब दिल्ली। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में अनेक जैन तीर्थ हैं, जिनका महत्व शास्त्रों में वर्णित है। इन्हीं तीर्थों में से एक प्राचीन और अतिशयकारी तीर्थ है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की केवल ज्ञान स्थली श्री अहिच्छत्र पार्श्वनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की आंवला तहसील के रामनगर गांव में स्थित है। तीर्थ परिसर का प्रवेश द्वार बेहद कलात्मक है। इससे प्रवेश करने पर एक खुले हुए बड़े प्रांगण में पहुंच जाते हैं, जहां मध्य में विशाल मान स्तंभ निर्मित है। मान स्तंभ के सामने मुख्य मंदिर है। इसकी मुख्य वेदी पर भगवान अहिच्छत्र पार्श्वनाथ की श्याम वर्णीय अतुल लुभावनी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा तिखाल वाले बाबा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रतिमा देवों द्वारा विराजमान की गई थी। मुख्य वेदी के दाईं ओर भगवान महावीर और बाईं ओर भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसी क्रम में आगे दाईं ओर एक भव्य समवशरण भी निर्मित है, जो बेहद मनोहारी एवं कलात्मक है। समवशरण के दाईं ओर भगवान पार्श्वनाथ की एक और श्याम वर्णी पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। इसके अलावा माता पद्मावती और एक वेदी पर कई प्राचीन एवं चमत्कारी प्रतिमाएं भी विराजित हैं। मुख्य मंदिर से बाहर आने पर प्रांगण के दाईं तरफ 30-24 मंदिर बना हुआ है, जिसमें कमल की आकृति वाली वेदियों की सुंदर पंखुड़ियों पर श्वेत पाषाण की 30-24 विराजमान है। यहां मूल नायक रूप में भगवान पार्श्वनाथ की खड़गासन प्रतिमा विराजमान है। ये मंदिर कला का अद्भुत नमूना है, जो अन्य तीर्थों पर दिखाई नहीं पड़ता। इसी 24 के निकट माँ पद्मावती मंदिर भी स्थापित है, जहाँ भगवान पार्श्वनाथ और माँ पद्मावती विराजमान हैं। क्षेत्र परिसर पर मंदिरों के अलावा प्रतीक्षालय, संत भवन, प्रवचन हॉल, भोजनशाला, धर्मशाला भी निर्मित है। मुख्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक विशाल 24 मंदिर है। यह मंदिर 8 मंदिरों का एक समूह है, जिसमें प्रत्येक मंदिर में 3-3.75 फीट की पद्मासन मूर्तियां विराजमान हैं। ऐसी अनूठी 24 पूरे भारत वर्ष में नहीं है। इस 24 के मध्यम 15.25 फीट की भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा केंद्र में विराजमान है, जो बड़ी मनोहारी एवं आकर्षण युक्त है। क्षेत्र पर एक प्राचीन कुआं भी है, जिसका पानी चमत्कारी माना जाता है। सन 1857 में एक माली आक्रांताओं के आक्रमण के कारण प्रतिमा को लेकर इसी कुएं में छिप गया था। वो प्रतिमा आज भी मंदिर जी में विराजमान है। बस तभी से इस कुएं का पानी मूर्ति के प्रभाव से चमत्कारी बन गया। इस तीर्थ क्षेत्र पर एक मंदिर और है, जो कि गांव के मंदिर के नाम से प्रचलित है। इसमें भी अति मनोरम भगवान पार्श्वनाथ की श्याम वर्णी प्रतिमा विराजमान है। इसकी विशेषता यह है कि इसका फण अलग हो जाता है। ऐसी मूर्ति पूरे विश्व में नहीं है। इन सभी मंदिरों के अलावा अति सुंदर सुमेर वाटिका एवं थीम पार्क भी निर्मित है, जिसमें सुंदर कलाकृतियों से निर्मित मान स्तंभ भी बना हुआ है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से द्वादशी, श्रावण शुक्ल सप्तमी और पौष कृष्ण एकादशी को इस क्षेत्र पर मेला भी लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आप भी इस तीर्थ के दर्शन करने एक बार अवश्य पधारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसी पावन धरा उत्तर प्रदेश के रामनगर स्थित 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की तप केवल ज्ञान एवं समवशरण भूमि श्री अहिच्छत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र में भगवान पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक एवं धरणीन्द्र पद्मावती प्रथम अवतरण दिवस बेहद भक्तिभाव से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में काल सर्प योग पीड़ा निवारक श्री 1008 पार्श्वनाथ कलिकुंड महाविधान एवं आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के स्मृति कुंज का भव्य शिलान्यास समारोह भी आयोजित किया गया। आचार्य श्री नमोस्तु सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में इस महोत्सव की सभी क्रियाएं ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुई। तो चलिए प्रारंभ से आरंभ करते हैं इस प्रस्तुति को। दिनांक 29 मार्च को प्रातःकाल मंदिर भक्तों से खचाखच भरा था और भगवान पार्श्वनाथ की अप्रतिम आभा चहुं ओर सुशोभित हो रही थी। ऐसे में श्रावकों ने सर्वप्रथम उनका जलाभिषेक किया और श्राविकाओं ने यथास्थान खड़े होकर अनुमोदना की। ॐ सिं क्लीं ऐं अरं वं मम हं सं तं पं वं वं मं मम हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं इवि इवि चिवि चिवि दां दां दिं दिं दवे दवे ॐ नमो अहते भगवते श्रीमते जला अभिषेकिनं करोमि स्वाहा। हम बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमूर्ति भगवती श्रीमती पवित्रतर जले जलाभिषेकम करूमि स्वाहा। पार्श तुम्हारे द्वार पे जुड़ गई भीड़ अबार, पार्श तुम्हारे द्वार पे जुड़ गई भीड़ अबार। अभिषेक के उपरांत कुछ सौभाग्यशाली भक्तों ने शांति धारा करने का स्वर्णिम अवसर भी प्राप्त किया।
शांति धारा के पवित्र मंत्रों का प्रवाह पूरे वातावरण में जैसे ही फैला, भक्तों का मन पवित्र हो गया। देव्या ओम नमः सिद्देव्या, ओम नमः सिद्देव्या, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पार्श्वसुधाय सव्यज्ञाय संभवी सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय नंदर्सिंहाय वीराय सुखाय। सभी श्रद्धालु जिनेन्द्र प्रभु से विश्व में शांति की प्रार्थना करने लगे। शांति धारा के उपरांत विधान की मांगलिक क्रिया आरंभ की गई और इंद्र इंद्राणियों द्वारा विधान मांडले पर मंगल कलशों को विराजमान किया गया। कलशों को विराजमान करने के बाद सभी भक्तों ने झूम झूम कर प्रभु की आरती उतारी। जय पारस, जय पारस देवा, जय पारस, जय पारस, जय पारस देवा। प्रभु की आरती उतार कर आस्था से ओतप्रोत भक्तों ने विधान आरंभ कर दिया और प्रभु गुणगान एवं मंत्र रूपी दिव्य ध्वनि में अष्ट द्रव्य समर्पित कर पुण्यार्जन करने लगे। अतुल बल शक्ति सहिता है जलादि और जिव्य और गमनी वामते ओम रीम श्री कलि कृपावनाता है आकाश गमाचिता सहिता है जलादि और जिव्य और गमनी वामते दसु विधि सजि हिमदार अर्थ बनाम पत है बस कर्म अनादि संयोग दाई न जावत है तो दुखते है गोड गति न जावत है ए अतिशय को प्राप्त मोह न जावत है ओम रीम श्री कलि गुण वर्णाता है चहु मुख से युक्ताय जाति और गमनी मामते ओम रीम श्री कलि गुण वर्णाता है गंधोदा विचताय सहिताय जलादि और गमनी मामते। विधान के दौरान भक्त प्रभु की भक्ति में ऐसे झूम रहे थे कि मानो वे अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में न्योछावर कर देना चाहती हूँ। जय पारस, जय पारस देवा, जय पारस, जय पारस, जय पारस देवा। विधान के बाद श्री जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। सभी इंद्र इंद्राणियों ने श्री जी को भक्ति भाव से रथ पर विराजमान किया और भक्ति भाव से तीर्थ परिसर में भ्रमण कराया। रथयात्रा के बाद श्री जी को भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा के समक्ष विराजमान कर अभिषेक किया गया। इस मंगल अवसर पर क्षुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज ने भक्तों को मंगल उद्बोधन भी दिया और प्रथम समोशरण इस अहिशत्र की धरा पर यहाँ पर आज से लगभग 2800 वर्ष पूर्व यहाँ पर इस धरती पर प्रथम समोशरण के उपरांत समूचे भारतवर्ष में भगवान पार्श्वनाथ ने विहार किया। अपने दिव्य उपदेशों के माध्यम से हम सभी को
मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित किया। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ की ये पावन धरा और इस पावन धरा पर आज ऐश्वर्य पार्श्वनाथ सेवा समिति के माध्यम से पिछले कई वर्षों से भगवान के गर्भ जन्म तप ज्ञान और निर्वाण कल्याण यहाँ पर बड़े भव्यता के साथ मनाते हैं। आप सभी यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की इस धरातल पर पधार कर भगवान पार्श्वनाथ के इन कल्याणकों को भक्ति और भाव से मनाकर पुण्य का संपादन कर रहे हैं। गुरुवचनों के उपरांत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्मृति कुंज का शिलान्यास कार्य भी भक्ति भाव से संपन्न हुआ। इस मंगल अवसर पर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने वाले दानवीर परिवारों ने शिला रख कर इस मंगल कार्य को पूर्ण किया। कार्यक्रम में आगे अभिषेक पूर्वक माता पद्मावती का भव्य श्रृंगार कार्य संपन्न किया गया। इस मंगल अवसर पर सुप्रसिद्ध संगीतकार रूपेश जैन एवं संजय जैन जी भी पधारे और उन्होंने अपनी मधुर आवाज में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर उपस्थित भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया। दरबार तेरा बाबा सोने से सज रहा है, दरबार तेरा बाबा सोने से सज रहा है, तेरे नाम का ही डंका दुनिया में बज रहा है, तेरे नाम का ही डंका दुनिया में बज रहा है। तुम बिन कैसे जीना है हमें ये तो सिखा कर जाते, तुम बिन कैसे जीना है हमें ये तो सिखा कर जाते, थोड़ा और समय हम सब भक्तों के साथ बिताते, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना। ये कैसा अनियत विहार इस बार किया तुमने, निर्मोही बन साथ हमारा छोड़ दिया तुमने, तुम बिन कैसे जीना है हमें ये तो बता कर जाते, तुम बिन कैसे जीना है हमें ये तो सिखा कर जाते, थोड़ा और समय हम सब भक्तों के साथ बिताते, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, दरस दिखलाओ ना, लौट कर आओ ना। 29 मार्च के बाद अगले दिन सभी भक्त प्रातःकाल होते ही भगवान पार्श्वनाथ के समक्ष पहुंचे और उनका अभिषेक करने का पुण्य अवसर प्राप्त किया।
अभिषेक उपरांत विश्व शांति की कामना से शांति धारा की गई। इस दिन भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी प्रबंधकारिणी समिति की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्य एकत्रित हुए और अपनी बात सभी के समक्ष रखी। श्री हेमचंद जैन दिल्ली ने भी परम सम्मान्य सदस्य बनने की स्वीकृति दी है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। इस अवस्था में 94 साल की आयु में वो यहाँ आए हैं, हम कमेटी की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी आज इस प्रबंधकारिणी समिति से हमें जो सदस्यों का चयन करना है वे है 5 उपाध्यक्ष का चयन करना है, 1 कोषाध्यक्ष का चयन करना है और 4 मंत्रियों का चयन करना है। मेरा एजेंडे में गिरनार का एक विषय है, उसके बारे में मैं आज बहुत ही संक्षिप्त में आपको जानकारी देना चाहूँगा। गिरनार जी का इशू आप लोग सब मेरे ख्याल से इससे अवगत हैं कि 2004 से ये चल रहा है और इन मीनवाइल 2005, 4 और 2012-13 में करीब 6 केस अपने हाई कोर्ट गुजरात में दाखिल हैं। अभी कुछ दिन पहले, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि अभी बजट की बात चल रही थी तो उसमें गिरनार का भी विषय आया था, लेकिन मैं आपको जानकारी देता हूँ कि गिरनार का पिछले 5 साल में 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं हुआ पूरे गुजरात के किसी भी क्षेत्र में। तो इसीलिए सभी से निवेदन है, कृपया सभी से करवत प्रार्थना है कि सब अपना अपना पूरा तन मन धन से सहयोग दें और सहयोग का मैं अपेक्षा बहुत आपसे रखता हूँ। ये सिर्फ अपने धर्म को बचाने के लिए, तीर्थों को बचाने के लिए सबको समय देना पड़ेगा। अगर कोई पद के उसमें हो के मुझे पद चाहिए काम नहीं करना तो देखो मुझे वो एक्सेप्ट नहीं है। 31 मार्च को मंदिर जी में सभी भक्तों ने अभिषेक पूजन का लाभ लिया और तदोपरांत पूज्य आचार्य श्री की मंगल देशना को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। धन्य माँ पद्मावती, और मैं आपसे एक बात कहूं, जो आपको मंदिरों में चमत्कार देखने को मिलते हैं, भगवान क्या है, अरियंत भगवान क्या है, अरियंत भगवान तो वीतरागी हैं, उनको ना राग से मतलब, ना देश से मतलब, ना आपकी आकांक्षाओं से मतलब। आप उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको पुण्य का संचय कराते हैं। ये ओ जहां जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से तारा। गुरुदेशना श्रवण करने के बाद भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अंचल का आंचलिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस दौरान समिति के अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जी को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो दर्शकों, देखा आपने कितनी अविस्मरणीय यादों के साथ ये महानुष्ठान संपन्न हुआ, जिसमें जैन श्रावक श्राविकाओं ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ भाग लेकर महान पुण्यार्जन किया। हम भावना भाते हैं श्री अहिच्छत्र पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र में ऐसे आयोजन आगे भी आयोजित होते रहें ताकि धर्म की अटूट प्रभावना हो। इस मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं सोनू जैन, मनीष जैन, अंकित जैन, पारस फैब दिल्ली।